नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नर्व पेन या नसों में जो दर्द होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि नर्व पेन क्या चीज होती है और वो कैसे प्रेजेंट करती है और क्यों होती है। तो जो नर्व होती है वो जितना भी ब्रेन है स्ट्रक्चर, जितना भी इसके अंदर जो एरिया है, इससे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबसे एक एक पॉइंट कनेक्ट 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 करके बहुत सारे धागे निकलते हैं जो कि पीछे की साइड जाते हैं और फिर पीछे की साइड से हाथों को यहाँ पे सप्लाई करते हैं, फिर टांग को यहाँ से सप्लाई करने लगते हैं। तो ये जितने भी धागे हैं उनको बोलते हैं नर्व्स। और इनका जो पेन होता है या इनके जो सिम्टम होते हैं कैसे प्रेजेंट कर दिए जाते हैं वो, या तो उनको कोई एक पूरे जैसे अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ पे करंट जाने लगेगा, इसमें करंट जाने लगेगा, या किसी एक पाँव में जाने लगेगा, किसी एक हाथ में जाने लगेगा, दैट मीन्स लहर दौड़ेगी। या फिर उनको लहर नहीं दौड़ी है तो कोई जलन जैसा उनको फीलिंग होएगा, या फिर कोई चुभने जैसा फीलिंग होएगा, या फिर कोई निडल जैसे मारते हैं निकालते हैं वैसा उनको फीलिंग होएगा, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि सुबह तो मुझे कोई काम दर्द नहीं होता लेकिन जैसे ही मैं रेस्ट करती हूँ या रात को सो रही होती हूँ तो एकदम कुछ ना कुछ यहाँ पर जलन या फिर क्या कहते हैं एक टाइप का डिस्कम्फर्ट लगने लगता है उनको, जो कि उंगलियों में फील होने लगता है या फिर टांग में जाने कर फील होने लगता है और वो उसको दबा रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, ये उनको ऐसा परेशानी होती है। जब ये कुछ नहीं होता तो कई लोगों क्या होता है कि ये कंटिन्यूअसली जब होता रहता है तो सडनली एक दिन खत्म हो जाता है तो वो उनको ये लगता है कि हम ठीक हो गए, लेकिन तब वो जो कंप्लेंट करते हैं वो कंप्लेंट करते हैं सुन्नपन की, कि अब हमारे को पता चलना कम हो गया है, अब हमें पता नहीं चलता, उंगलियों के ट्विस्ट में पता नहीं चलता, यहाँ पे कम पता चलता है। उसके कुछ टाइम बाद उनको ऐसा लगता है कि सर कम पता चलने लगा है लेकिन अब मुझे कमजोरी भी फील होने लगी है, दैट मीन्स जो मेरा मास है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, या मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे जो कपड़े लूज हो रहे हैं या मेरी जो शर्ट्स हैं वो लूज हो रही हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो वो जब किसी चीज को पकड़ते हैं, जो पहला सिम्टम आता है इन लोगों को, जैसे अगर मैं 2 किलो का पहले आराम से सामान उठा लेता था तो अब उनको 2 किलो का उठाने में थोड़ा सा कांपने लगता है हाथ। अगर ये नहीं होता है तो फिर वो कहेंगे कि सडनली मेरा अब 2 किलो क्या, मैं आधा किलो का भी सामान नहीं उठा सकता हूं। तो ऐसी एक कंप्लेंट करते हैं कि उनकी पावर ग्रिप कम हो जाती है। तो जो नर्व के जो प्रॉब्लम आती है वो किस टाइप से प्रेजेंट करती है, या तो पेन हो गया या जलन हो गई या लहरें दौड़ गई या फिर कमजोरी हो गई या मांस पतला हो गया। ओके, अब आता है क्वेश्चन ये सब होता क्यों है, तो हम इनको कैसे डिवाइड करते हैं, हम ऐसे डिवाइड करते हैं ये प्रॉब्लम या तो यहां पर है, या जब यहां से ब्रेन से निकलकर वो नेक पर आ गई या तो यहां पर है, या ब्रेन से निकलकर वो हाथों में आ गई या तो यहां पर है, या फिर टांगों में आ गई यहां पर है, तो कौन से एरिया में वो प्रॉब्लम हुई है, एक तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं। दूसरा ये प्रॉब्लम करते हैं कि इस आदमी को चोट लगी थी या नहीं लगी थी, या फिर कोई सीजनल चेंजेस या विंटर में या समर में किस टाइप से हो रहा है ऐसे पूछते हैं, या फिर ये पूछते हैं कि जिस एरिया में आपको दर्द होता है कि उस एरिया में आपने कोई मसाज कराई या कोई ट्रीटमेंट लिया या आपने कोई उसका रेगुलर बहुत ज़्यादा यूज किया, ऐसे हम पेशेंट से पूछते हैं। अब जब आता है कि पेशेंट जब कहता है सर मेरे को तो कोई चोट नहीं लगी, मेरे को तो कभी कभार हो जाता है कभी नहीं होता है, और सर मेरा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है डायबिटीज़ का, थायराइड का, हाइपरटेंशन का, तो हमें क्लियर हो जाता है कि अगर ये काफ़ी टाइम से इनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, थायराइड कंट्रोल नहीं है, हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं है, तो दैट मीन्स अंदर जो केमिकल्स होते हैं जो कि बॉडी की जो नसें होती हैं, जो ये जो धागे बताए मैंने, उनको अफेक्ट करते हैं, तो उसके कारण उनको न्यूरोपैथिक पेन होता है, इसीलिए वो कभी कभार ठीक हो जाता है कभी ठीक नहीं होता। तो हम उनको क्या बोलते हैं, अगर आपका डायबिटीज़, थायराइड और जितनी भी बीमारियां हैं जो कि बॉडी की हैं वो अगर कंट्रोल्ड है, उसके बावजूद भी अगर आपको दर्द हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि आप क्या काम करते हो। अब वो कहते हैं कि सर मैं तो वेट लिफ्टिंग का करता हूँ, मैं जिम करता हूँ, मैं कंप्यूटर टाइपिंग करता हूँ, मेरा काफ़ी टाइम स्कूटर ड्राइविंग है या फिर कार ड्राइविंग है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे को तो कोई काम ही नहीं करना होता, मैं तो आराम से मतलब जॉब पे जाता हूँ वहाँ से आ जाता हूँ, कोई काम नहीं करना होता। तो इन सबको जब ऐसे जो ऑक्यूपेशन होते हैं जो कहता है कि मुझे लॉन्ग टाइम बैठना होता है, तो उनकी कमर में दर्द होने लगता है और धीरे धीरे शियाटिके की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे को काफ़ी टाइम नीचे झुके कोई सामान उठाना होता है और काफ़ी मतलब जो है बॉडी को मूव करना होता है, तो हम कहते हैं कि जो पीछे की नसें हैं, जो गर्दन की नसें हैं, उसके कारण आपको एक प्रॉब्लम हुई है और जो वहाँ की एरिया है उसमें प्रॉब्लम है, ना कि किसी एरिया में जहाँ पर वो करंट जा रहा है। क्योंकि जब प्रॉब्लम उनको दिखती यहाँ पर है तो उनको पता नहीं होता कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो ये हम एज ए डॉक्टर जब एग्जामिन करते हैं तो हमें पता चल जाता है और हम उसको उस एरिया को बता देते हैं और वो समझ के ठीक हो जाता है। तो जब एक हो गया कोई वेट उठा रहा है तो उसके कारण जो उनको प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे अभी कोरोना चल रहा है वो हो गया, तो उन लोगों में क्या होता है कि वो जो नर्व को अटैक करते हैं जो कि उनका इम्यून सिस्टम होता है, तो वो नर्व को अटैक करता है, तो जो वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए अटैक करता है और फिर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो कई लोग हमारे पास आए हैं
जिनको कोरोना के टाइम पर या फिर किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें उनका खुद का बॉडी उसको अटैक कर रहा होता है उसके कारण उनकी नर्व पर अटैक होता है, तो फिर उनको जलन होने लगती थी। स्टार्टिंग जलन से हुई लेकिन वो बढ़ती बढ़ती उनकी मसल भी वीक हो गई और उनकी उंगलियां टेढ़ी हो गई, या फिर जब भी कोई चीज पकड़ते थे तो वो पकड़ने में उनकी कमजोरी हुई। तो हम उनको साफ बता देते थे क्योंकि आपको कोई चोट नहीं लगी, आपको एक टेम्परेरी वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसके कारण ऐसा हुआ है, तो हम उनको कोई दवाई नहीं देते, हम नॉर्मल उनको जो चीज होती है उसको समझा देते हैं और जो नर्व के लिए ट्रीटमेंट होता है वो उनको हम करके उनको ठीक कर देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं 3 to 4 months में। कुछ लोग जो होते हैं कि वो कहते हैं कि सर मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो मेरी गर्दन जकड़ी होती है या मैं पानी में काम करने लगती हूँ तो मेरा नर्व जलने लगता है, तो हम उनको बताते हैं कि ये क्योंकि जो यहाँ की मांसपेशियाँ हैं उनके थ्रू जाके वो धागे इधर उधर क्रॉस करते हैं तो मसल्स टाइट हो गई हैं, उसने नर्व को दबा दिया है, तो आपको उसकी एक्सरसाइज करनी है जैसा हम बताएंगे और वो ठीक हो जाते हैं वो ट्रीटमेंट लेकर। तो जो करंट का जो पार्ट है, जो कमजोरी का पार्ट है और जो सेंसेशन का पार्ट है, वो अब हम देखते हैं कितना ग्रेट हो गया, कितना सीवियर हो गया है कि बिल्कुल ही सेंसेशन होना पता चलना बंद हो गया है या फिर थोड़ा बहुत है, तो उसके बेस पर हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर अभी स्टार्टिंग ही हुई है तो हम उनको उनका प्रेशर गारमेंट जो है वो ठीक कर देते हैं, उनको मेडिसिन दे देते हैं और उनको जो चीज एक्टिविटी अवॉइड करनी है वो बता देते हैं, उसके कारण वो ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको चोट लगने के बाद ऐसा होता है जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया या फिर कोई कट लग गया और उस वो कहते हैं कि सर बिल्कुल माइनर कट था लेकिन सर उसके बाद से मेरे को पता नहीं चलता है, या फिर जब से फ्रैक्चर का ऑपरेशन कराया है वो जॉइंट जाम हो गया है या वहाँ पे सूजन है उसके बाद से सर वो तो जुड़ भी गया, एक्सरे नॉर्मल आ रहा है, फिर क्यों हो रहा है? क्योंकि उस एरिया में बहुत सारी नर्व्स आती हैं जो कि जाती हैं तो उसमें कंप्रेशन आ जाता है तो उसके कारण हो जाता है। कुछ लोग जैसे मैंने आपको बताया था जिम उठाते हैं जो सामान करते हैं उन लोगों के जॉइंट में इतना फोर्स होता है कि जॉइंट के अंदर से कुछ बबल्स निकलते हैं जैसे गैंग्लियन या फिर कोई भी एक मास इकट्ठा हो जाता है, मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, उनके थ्रू वो जो नर्व से जाती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं और फिर उसके कारण उनको दर्द होने लगता है, तो उसका ट्रीटमेंट हम उनको बताते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिम भी नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको ये शोल्डर उठना बंद हो गया उनका और जैसे ही पीछे से देखते हैं हड्डी बाहर आ गई जिसको रिंगिंग और स्कैपुला बोलते हैं, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है, वो नर्व दब जाती है, उनको हम 3 महीने का टाइम देते हैं कि जो यहाँ की नर्सें हैं वो कंप्रेस हो गई हैं, तो एक बहुत ही पेशेंट के लिए समझना मुश्किल हो जाता है उनको कि ब्रेकियल पर्सिस इंजरी सर विदाउट चोट कैसे हो सकती है, तो हो सकती है, तो उनका हम ऑपरेशन करते हैं और फिर उस नर्व को बार बार स्टिमुलेट करते हैं जो सो चुकी होती है और फिर वो ठीक हो जाते हैं और 8-9 महीने में वो अपना शोल्डर उठाने लग जाते हैं पूरा। तो आपके लिए अगर मैं एक टेक होम मैसेज बताऊं तो ये है कि नर्सों का दर्द कैसा होता है, जलन जैसा होता है, नसों की दर्द के कारण अगर सुन्नपन हो गया है तो वो सीवियर हो गया है, नसों की प्रॉब्लम के कारण अगर कमजोरी आ गई तो वो सीवियर हो गया है, ये प्रॉब्लम डायबिटीज थायराइड के कारण हो सकती है, सीजनल हो सकती है, आपके ऑक्यूपेशन के कारण हो सकती है और किसी चोट लगने के कारण हो सकती है। अगर आशा करता हूँ कि अगर आपको ये मैं वीडियो पसंद आया है या फिर इससे अधिक जानकारी के लिए कुछ और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका आंसर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।